हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम एंटरटेनमेंट पे। आज अपने वीडियो में हम बताएंगे आपको एक बहुत ही अच्छा स्नैक्स बनाने के बारे में। ये है इटनी स्नैक्स, इसका नाम। सबसे पहले इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमने सूजी लेनी है और दही लेनी है। दही और सूजी को अच्छे से फेंट लेना है, कम से कम 5 मिनट तक फेंटिएगा। उसके बाद में घी लीजिएगा, उसमें काली राय डाल के हमने जो तैयार किया है फेंटा है मिक्सर, उसमें तड़का लगा दीजिएगा। तड़का लगाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें राई अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, फिर से देखिए राई दिख रही है इसमें। इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए हम रख देंगे। तब तक चलिए हम इसमें जो आलू भरेंगे हम मसाला आलू, उसको तैयार कर लेते हैं। हमारा वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए हमने ये चीज़ें पहले से ही रेडी रखी थी। आप ही जब बनाइएगा तो पहले से ही रेडी रखिएगा, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। मसाला आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को रखेंगे गर्म होने के लिए और उसमें डालेंगे तेल। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, 1 चम्मच आप जीरा डालिएगा। इसके बाद में हम डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन, 1 कटोरी, छोटी कटोरी से डालिएगा। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे अदरक कद्दूकस किए हुए, 1 छोटी बाइट अदरक रहेगी उसी को आप कद्दूकस करिएगा। इसको अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सौंफ 1/2 चम्मच। अब डालेंगे प्याज बारीक कटे हुए, 1 प्याज आप कट करिएगा बड़ी साइज की। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, आप अगर हरी मिर्च ना खाते हो तो मत डालिएगा, लेकिन हरी मिर्च अच्छी होती है हेल्थ के लिए भी, तो आप हरी मिर्च यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमारे प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे टमाटर बारीक कटे हुए, इसके बाद में डालेंगे हल्दी और मसाला। अब इसको अच्छे से चला लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से देखिए भुना चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लाली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसमें हम डालेंगे आलू, आलू को पहले हमने बॉयल कर लिया था, उसके बाद में कद्दूकस कर लिया, आप भी इसी तरह से करिएगा। चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। देखिए मेरे आलू में मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। स्वादानुसार आप नमक डालिएगा जैसे आप खाते हो। फिर से इसको अच्छे से चला लीजिएगा ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए पूरे बैटर में। देखिए हमारे आलू अच्छे से भुना चुके हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और उसको 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए हमारा मिक्सर ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर। इसको अच्छे से अब मिक्सअप कर लेंगे, देखिए इस तरह से, ताकि आमचूर पाउडर पूरे मटेरियल में अच्छे से मिल जाए। देखिए आमचूर पाउडर इसमें अच्छे से मिल गया है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने से पहले हाथ में आप थोड़ा सा अपने ऑयल लगा लीजिएगा ताकि चिपके ना ये। कुछ इस तरह से आप बनाइएगा, देखिए। चलिए सारे बॉल्स तैयार कर लेते हैं। 20 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे इनो डालेंगे। इनो डालने के बाद में एक ही डायरेक्शन में हम इसको फेंटेंगे। इसको अब एक ही डायरेक्शन में ऐसे देखिए करेंगे, इसलिए एक ही डायरेक्शन में करते हैं ताकि इसके एयर्स ना निकलें और हमारी जो इटली स्नैक्स है वो सॉफ्ट हो। इटली स्नैक्स बनाने से पहले देखिए जो स्टैंड होगा उसमें उसकी कटोरियों में अच्छे से आप ऑयल अप्लाई करिएगा। इस तरह से हम इडली बैटर को डालेंगे स्टैंड में। देखिए बैटर पड़ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जो बॉल्स हमने बनाई थी, इस तरह से इसमें रख देंगे। इसके बाद में इसको कवर कर देंगे फिर से इडली वाले बैटर से। ठीक इसी तरह से सारे बॉल्स को कवर कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने सारी कटोरियों में
डाल दिया है मिक्सर। अब चलिए इसको पका लेते हैं। पकाने के लिए सबसे पहले हमने कुकर में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। देखिए हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम इडली स्टैंड को रख देंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। देखिए दोस्तों, तैयार है हमारा इडली स्नैक्स। इसे हमने देसी चटनी के साथ रखा है खाने के लिए। आप भी चाहें तो देसी चटनी बना सकते हैं। और हम इसको तोड़ के भी दिखाते हैं आपको कि कितना अच्छा बना है, कितनी अच्छी जालियाँ बनी हैं इसमें। देखिए हम इसको तोड़ के आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप इडली बना के ज़रूर खाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।